हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीता स्मिकोर में आपका स्वागत है। सो आज की वीडियो में आपको मैं दिवाली मेकअप लुक करके दिखाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टोनर यूज़ किया है, ये गुड वाइब्स का टोनर है। सो आपने क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये तीनों चीज़ें ज़रूर करनी है, स्किन प्रेप ज़रूर करनी है पहले। और इसके बाद मैंने यूज़ किया है टोनर के बाद मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइजर, ये निविया का मॉइस्चराइजर है। और स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लेंगे। और अब मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, ये ड्यू फिनिश सेटिंग स्प्रे है जो मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है और ग्लो करता है और स्किन हाइड्रेट भी होती है इससे। तो पूरा स्टेप बताऊंगी मैं आपको। और अब मैंने यूज़ किया है स्ट्रोब क्रीम। सो मेरी स्किन ड्राई है, तो अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं जैसे कि आप लोग जानते ही हो। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने स्ट्रोब क्रीम जरूर यूज़ करना है, थोड़ा सा शाइन आ जाता है फेस पे, ग्लो करता है। और अब मैंने सिस ब्यूटी की ये पेन स्टिक यूज़ की है फाउंडेशन, जो काफ़ी अच्छी है ये। और इसको मैंने नायका से मंगवाया था, काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की है तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और क्रीम फाउंडेशन है, सबसे अच्छी बात है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है ये। सो आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हो। और अब मैंने यूज़ किया इनसाइड का ब्लश, ये भी क्रीम ब्लश है। सो ज़्यादातर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करो। और मैं आपको पूरी डिटेल में चीज़ें बताती हूँ सारी, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मेरी वीडियो और भी बहुत सारी है, वो भी देख सकते हो आप, फेशियल वगैरह की, वैक्सिंग की, कलर की, हेयर कलर, हेयर ट्रीटमेंट। सो ब्लश के बाद मैंने अब यूज़ किया है यहाँ पे इनसाइड का कॉन्टोर स्टिक है, ये लिक्विड में है हल्की सी ये, और बहुत लाइट शेड में है, बहुत डार्क नहीं है, हल्की सी कॉन्टोरिंग की है मैंने। और अब यहाँ पे हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी कंसीलर से, मेबलिन का कंसीलर है ये, मेबलिन 50। सो ये इसको लगा के मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। और कंसीलर के बाद आपने सेटिंग ज़रूर करनी है, पाउडर सेटिंग, ताकि मेकअप जो आपका लॉन्ग लास्टिंग बना रहे और जो दो घंटे जो हमने मेहनत की है सो हमारा मेहनत ख़राब ना हो। पाउडर से मैंने सेट कर लिया, सिस ब्यूटी का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। और यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज़ की है मैंने सिस ब्यूटी की। सो आईब्रो फिल हो चुकी है, सेटिंग स्प्रे मैंने दोबारा से कर लिया है मेकअप के बीच में। आप इसको दो तीन बार कर सकते हो, एक लास्ट में भी कर सकते हो, तो मेकअप आपका केकी नहीं होगा, पैची नहीं होगा। सो अब मैंने हाइलाइटर यूज़ किया यहाँ पे, सिस ब्यूटी का हाइलाइटर। सेटिंग स्प्रे के बाद अब हाइलाइटर यूज़ करोगे तो आपका मेकअप, आपका हाइलाइटर बहुत अच्छे से लगेगा। और यहाँ पर सिस ब्यूटी की मैंने लिप लाइनर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, बहुत छोटी सी वीडियो है, फटाफट से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। लिप लाइनर करके मैंने और मेबलिन की यहाँ पे मैंने लिपस्टिक यूज़ की है। सो मैं लिपस्टिक जो है पूरी ख़त्म कर चुकी हूँ, इतनी अच्छा शेड है, मेरे को लगा पीची सा शेड है हल्का सा। और हल्का सा आई मेकअप भी करके दिखा देती हूँ आपको मैं, बिल्कुल एक शेड लगाया है। आप ज़्यादा शेड नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, बहुत हैवी लुक हो जाएगा, तो सिंगल एक शेड लगा लो, हल्का ब्राउनी सा शेड है ये लगाया मैंने। और ये आई मेकअप जो है हर किसी आउटफिट के साथ आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये। और काजल को लगा के बस मैंने इसको स्मज कर लिया है, बस ये दो चीज़ें लगाई हैं और उसके बाद मस्कारा। सो ये ब्यूटीफुल आई लुक आप कंप्लीट है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स को। ये मैंने मस्कारा फेसेस कनाडा का यूज़ किया है। सो ये मेरा फाइनल लुक है। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, वो भी देखना, और मैं लाइव भी आती हूँ तो लाइव भी आप ज्वाइन कर लेना, जैसे मैं कम्युनिटी वगैरह डाल दिया करूँगी। ओके, बाय, टेक केयर।